वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2018 की तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म वीरा भोगा वसंता रायलू का, जिसके हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आज होने वाला है रात 9 बजे जी सिनेमा पर। और जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि फिल्म के जो यूट्यूब राइट्स हैं वो है बॉली किक यूट्यूब चैनल के पास, पर वो इस फिल्म को कब अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक उनके साइड से हमें नहीं मिली है। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट या फिर इस फिल्म को अपलोड किया जाता है तो हम हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको जरूर बताएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखने की या फिर स्किप करने की सोच रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ये जो हमारा वीडियो है आपके लिए थोड़ा मददगार साबित हो सकता है। तो आइए बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए देते हैं आपको इस फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू और बताते हैं कि आखिरकार हमें ये फिल्म कैसी लगी। वीरा भोगा वसंता रायलू ये साल 2018 की एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको काफी सारे कलाकार या फिर कहें काफी सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में लीड रोल में आपको नजर आएंगे नारा, रोहित, श्रेया, सनन, श्री विष्णु और सुधीर बाबू। तो एक लाइन और एक वर्ड में अगर इस फिल्म के बारे में मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा इट्स डिफरेंट। जी हाँ, 2018 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक और यूनिक अटेम्प्ट लिया गया था और ये फिल्म, हम इस फिल्म को 2020 में देख रहे हैं और काफ़ी लेट हो चुका है, पर 2018 में एक बहुत ही यूनिक अटेम्प्ट लिया गया था इस फिल्म को बनाने के साथ। और नारा रोहित हमेशा से ही इस किस्म की अलग स्क्रिप्ट ही सिलेक्ट करते हैं जैसा कि हम सभी को पता ही है। तो ये फिल्म ऐसी जो यूनिक अटेम्प्ट वाली फिल्में होती है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कम बनती है। हम सभी को पता है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर एंटरटेनिंग मास एंटरटेनिंग फिल्में बनती हैं, पर इस फिल्म में एक बहुत ही अलग वे ऑफ नरेशन और स्क्रीन प्ले हमें देखने को मिला है वो इस फिल्म को बाकी जितनी इस कैटेगरी की फिल्में आती हैं, इस किस्म की फिल्में आती हैं, उससे काफ़ी अलग कुछ हटके बनाता है। फिल्म को देखकर साफ पता चलता है कि फिल्म की जो कहानी लिखी गई है उस कहानी को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम था। सच बता रहा हूँ, 3 केस चल रहे होते हैं और जैसे ही मुझे फिल्म का प्लॉट रिवील होता है तो वहाँ से मुझे काफ़ी डाउट था कि इस स्टोरी को अब किस तरह से हैंडल किया जाएगा। और आगे जाके मेरा जो डर था ये सच साबित होता है, क्योंकि पूरी फिल्म के दौरान फिल्म के प्लॉट ट्विस्ट को पकड़े रखने में और इस पूरी की पूरी कहानी को हैंडल करने में बीच में फिल्म के बीच में ऐसे काफ़ी पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर ये फिल्म कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, कुछ जगहों पर ये फिल्म अपनी पकड़ छोड़ देती है। इस फिल्म का जो एक कहूँगा कि कन्फ्यूजिंग जो एक नरेशन है वो इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है और वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो ऑडियंस इस फिल्म को देखने को बैठेगी वो इस फिल्म के साथ पूरी तरह से जुड़े रहेगी। क्योंकि फिल्म जब चलती रहेगी, एक बार इंटरवल आ जाएगा तो हर किसी का एक इंटरेस्ट रहेगा ये जानने में कि आखिरकार अंत में क्या होने वाला है। और ये जो चीज़ है, इस चीज़ को फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़े रखा और वो जो एक इंटरेस्ट है वो बनाए रखा पूरे फिल्म के दौरान। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो थोड़ा सा स्लो था। फर्स्ट हाफ के दौरान चीज़ें सेट होने में, प्लॉट सेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इंटरवल तक का समय आ जाता है और चीज़ें प्रिडिक्टेबल भी हो जाती हैं क्योंकि आपको स्टार कास्ट पता है तो इंटरवल पे क्या होने वाला है उसका अंदेशा हमें पहले से पता रहता है। तो इंटरवल के बाद जो फिल्म है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है और उसके बाद जो क्लाइमैक्स से पहले का जो ट्विस्ट रिवील होता है वो सही में आपके होश उड़ा देगा। वो सही में वो एक ऐसा चीज़ है जो जिसके लिए ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। और जिस तरह से इस स्टोरी को के साथ उस ट्विस्ट को मैनेज किया गया है वो काफ़ी डिसेंट है। तो उस ट्विस्ट के लिए तो आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो मेरे हिसाब से थोड़ा और अच्छा हो सकता था। क्लाइमैक्स में क्योंकि चीज़ें बहुत थी एक्सप्लेन करने को डायरेक्टर के पास, तो एक्सप्लेन करने के चक्कर में जो केसेस तीनों चल रहे थे उन्हें प्रॉपरली एंड नहीं किया जा पाता है और फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि फिल्म का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। इसके अलावा बात करें कास्ट परफॉर्मेंस की तो नारा रोहित को आपने इससे पहले भी ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स में और रोल्स में आपने देखा होगा और इस बार भी उन्होंने अपने इस रोल को काफ़ी सिंसियरली और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके में निभाया है। श्रेया सनन और सुधीर बाबू की बात करें तो उनका काम ठीक ठाक था। श्री विष्णु के पास इस फिल्म में करने के लिए बहुत कुछ था और मैंने उनकी अब तक जितनी फिल्में
देखी हैं उन फिल्मों में वो अक्सर हमें कॉमिक रोल्स में ही नजर आते हैं, और यहाँ पर इस फिल्म में उनके पास एक डिफरेंट रोल था करने में, और इस डिफरेंट रोल को करते समय मुझे ऐसा लगा कि वो काफी सीन्स में अनकंफर्टेबल से लग रहे थे या फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जो ये रोल या फिर ये कैरेक्टर मांग रहा था, वो उन्होंने उस किस्म का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाया, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा श्री विष्णु बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली भी ऐसे काफी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है, पर 2018 में आई ये फिल्म में उनका परफॉर्मेंस उतना कन्विंसिंग नहीं था। फिल्म में आपको कोई गाने तो देखने को नहीं मिलते हैं और मुझे नहीं लगता है कि डबिंग में कोई प्रॉब्लम रहने वाली है, तो हिंदी डब वर्जन देखो या ओरिजिनल वर्जन, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास फर्क पड़ेगा। दो रोल कहा जाए तो वीरा भोगा वसंत रायलू या फिर कहें जीत का जश्न, ये एक बहुत ही यूनिक अटेम्प्ट है, और इस यूनिक अटेम्प्ट के साथ जो एक एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलना चाहिए था वो हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, और फिल्म की जो राइटिंग थी वो मेरे हिसाब से थोड़ी और मजबूत हो सकती थी, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो एक घर के मिसिंग वाला जो केस था उस पर इतनी ज़्यादा हाईलाइट या फिर अच्छी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिली, और वहाँ पर उस पर्टिकुलर केस में राइटिंग में काफ़ी सारे फॉल्ट्स हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा फिर भी ये फिल्म जो है एक अलग सोच के साथ बनाई गई है, और मेरे हिसाब से इस फिल्म को हर एक को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो फिल्म है हर किसी के लिए कुछ अलग पेश कर सकती है, क्योंकि जो लोग भी कुछ डिफरेंट कुछ अलग देखना चाहते हैं उनको ये फिल्म जरूर इंप्रेस करेगी। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।